इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बॉलीवुड फिल्म आजाद के अपडेट्स। तो आजाद बॉक्स ऑफिस पर 7 जनवरी 1955 को रिलीज हुई थी। फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था SM श्रीरामुलु नायडू ने। इसके राइटर की बात करें तो राइटर है वेंकट रामा रामालिंगम। इसके कास्ट की बात करें तो इसमें दिलीप कुमार, मीना कुमारी, प्राण, ओम प्रकाश, अचला सचदेव लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। बजट इसका एग्जैक्ट सामने नहीं आया है। कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 1,50,00,000 रुपए का रहा था और इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था 3 करोड़ रुपए का रहा था। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि आजाद बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इसी कलेक्शन के साथ ये फिल्म 1955 की नंबर 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी थी। इसके कलेक्शंस के अलावा अगर मैं इसके रीमेक्स की बात करूं, एक तमिल फिल्म आई थी 1954 में जिसका नाम था मलाई कलन और ये जो बॉलीवुड फिल्म आजाद है वो इसी तमिल फिल्म का रीमेक है। अब इसके गानों की बात करूं, उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म के जरिए दिलीप कुमार जी को उनके फिल्मी करियर का 3rd बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में। अब करते हैं फिल्म के गानों की बात, तो फिल्म के अंदर टोटल 9 सॉन्ग्स थे और सभी गानों को कंपोज किया था सी रामचंद्रा ने, लिरिक्स लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। अब सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए थे लता मंगेशकर जी, उषा मंगेशकर जी, सी रामचंद्रा जी और रघुनाथ जाधव। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।